अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो साढ़े पे वसेब की आवाज़ से मैं हाँ थोड़ा अपना हो जुनेद मलिक अज के प्रोग्राम ऐसा गाल करे सूँ जरा कि महंगाई का तूफान है ना थमन वाला जो सिलसिला है शहरी किमें परेशान इन पे असा आए से जरा मुमताजाबाद लाए वजन आला बचत बाजार है पिया इतना के हालात क्या हैं सा शहरी मौजूद है असा इन्ना कने जानते से क्या अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर ये दसो कि इन्ना बाजार है जो बचत बाजार के ना देते बाजार लगते हैं क्या ये मांगे नहीं है सस्ते नाम मार्केट नहीं नहीं बराबर हिसाब किताब है तकरीबन ये कोई ऐसी बात नहीं है। बंदा सस्ता करने के लिए बंदा यहाँ खरीदारी करता है कि यह सस्ता हो जाए लेकिन कन्फर्म नहीं है कोई खास मतलब 10-20 रुपए का फर्क सारा होता कर पर किलो पीछे लेकिन जुम्मा छुट्टी होती है इसलिए मैं यहाँ आ जाते हैं कि चलो कट समा घर ले लेंगे चलो पूरा हफ्ता जरा आराम से गुजर जाएगा लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा ये दसो कि महंगाई दे उत्ते काबू पावन वास्ते हुकूमत के इकदाम तो इस दिन के हुकूमत करेंदी पई है ये कहना हुकूमत को तो अपनी हुकूमत की पड़ रही है वो क्या हुकूमत करेगी हुकूमत को तो ये नहीं पता कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है वो तो लंदन में फैसले होते हैं सारे अगर नवाज शरीफ चाहेगा तो सस्ता हो जाएगा वहाँ का जगह महंगा हो जाएगा। हाँ डॉलर का रेट घट थिया सारा कोई थिया मगर अशिया की कीमत उठा ही खड़ी हैं नवाल की डॉलर का रेट कहाँ कम हुआ है 186-187 रुपये इमरान खान छोड़े गया था 220-222 रुपये रेट चल रहा है सस्ता कहाँ हुआ है इमरान अगर इसाक डार आ भी गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ा मुल्क को चीज़ें वही महंगी महंगी है घी महंगा है चीनी महंगी आटा महंगा है अब जाके देखें लाइन में लगे होते हैं लोग आटा लेने के लिए उनको आटा नहीं मिलता लोगों को सुबह सुबह औरतें बैठी होती हैं जलील करा क्या हुकूमत ने तो हमें नहीं गुजर बसर थी वह जी महदूद आमदनी है तो इतने ज़्यादा अखराज आते नहीं महदूद आमदनी में तो गुजर बसर होता ही नहीं है सरकार आप देखें ना महंगाई कितनी आप देखें आप महंगाई कितनी आप भी आखिर दुनिया फिरते हैं अभी पाकिस्तानी अभी मुल्तान के शहर रहने वाले आप देखें कि महंगाई कितनी है मुल्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान में कितनी महंगाई है आप ये देखें। हाँ बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में कितनी महंगाई है जहरी गाल है हर शहरी जो है ना परेशान है थोड़े पुछ गिने हैं कि यह क्या आखते हैं तुसें दसो कि क्या इन ए बाजारों के आम बाजार के निस्बत रेट घटे या उतने ही जुम्मा बाजार है सस्ता होते बाबा गरीब लोग आने समान खेलने वेंदे गुजारा थी वेंदे तुसें आखते जुम्मा बाजार लगन या जेड़े बचत बाजार इन पे ए लगन नाल तो फायदा थी जी हाँ फायदा होते बाबा इतु कट्ठा समान 8 दिहाड़िया का खेलने वेंदे वर्क टाइम पास थी वेंदे शुक्र है उनकी जात वैसे महंगाई के बारे में क्या आपसे महंगाई है बाबा बहू है बा गरीब है हज़ार कमावे तो बचते ही नहीं हज़ार दा हज़ार ही लग वेंदे आटे ही अजकल माँ के 110 रुपये किलो है आटे ही सही नहीं होता दूर नंबर आटे न बाबा अल्लाह है निज़ाम चलाई पे बाबा जी बिल्कुल जरी गाल है अल्लाह है निज़ाम जो है ना वो चलाई पे इवें ही है पिया सर ना हो शहरी मौजूद इन पे खरीदारी वास्ते आए हैं असा ही नहीं अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर ये दसो कि ये जो बचत बाजार मुख्तलिफ मकाम लगते हैं क्या ये भी महंगाई की लपेट में नहीं या ये सस्ते बाजार हैं सर कोई सस्ते बाजार क्या नहीं चीज़ा उ मिल जाए जो पहले आम मार्केट के रेट तो मिलते हैं इतना वो चीज़ें हैं बाकी महंगाई हूँ टमाटर डेगन 200 रुपये प्लस है तो एक बंदा जरा डेली का 500-600 रुपया कमाने वाला है वो टमाटर खेण सकते या गेहूँ खेण सकते क्या चीज़ खेण सकते कोई चीज़ नहीं खेण सकता आटा डेगन आटा नहीं मिलता चीनी डेगन जी चीज़ मिलती है डेगन कोई चीज़ नहीं मिलना चाहती पी हूँ वो पीडीएम जी 12-13 जमातों की पीडीएम बनी हुई है उन्होंने क्या किया सारे कितने इमरान खान ने वाल भी कुछ बेहतर काम मैं इमरान खान के वजन नाल महंगाई वधी है या घटी है महंगाई तो हाथों उनके कहूँ कई सौ गुना वध गई है महंगाई वो कुछ कंट्रोल करा तो पी आई इन्होंने क्या कंट्रोल देना पे जरदारी के अपने फैसले होने मियाँ साहब के अपने फैसले होने मतलब एक मुतफिका फैसला होने ये ना महंगाई सारी समय तो कम बहर थी आकड़े बिल्कुल महंगाई का ना समझ के बाहर है जहरी गाल है शहरी हैं हर कोई अपनी राय रखें सर ना और मौजूद हैं असा इन्ना कहने पूछते हैं खरीदारी की थी वे सस्ती मिली है चीज़ या मांगी सर जी बड़ी गुजारिश है बहुत महंगाई का सामना करना पड़ रहा बहुत बड़ा तूफान है महंगाई का अब देखो पहले 1000 रुपये में बड़ा कुछ लेकर जाते थे अब 1000 रुपये में 2-3 चीज़ें आती हैं ताज़ा दिहाड़ी करने वाला या मजदूर बंदा वो तो कुछ भी नहीं कर सकता इस दौर में बिजली के बिल भरे या आटा ले या घी ले क्या क्या चीज़ खरीदे हमारी गुजारिश है वजीर आजम से वजीर आला से कि भाई इस महंगाई पे भागती हुई पे कंट्रोल डालना चाहिए। अच्छा ये दसो कि क्या इन बाजारों के हुकूमत की तरफों भी कोई स्टाइल लाया हुए तो आपको नज़र आए या हुकूमत को चेक बैलेंस नज़र आए हुकूमत की तरफ से तो कोई इतनी सख्ती नहीं है कोई इतना वो नहीं है कम से कम इनको चाहिए कि इधर तवज्जो दें कि आके इधर चेकिंग करें अपनी टीम तकशील करें आकर इन जो पीछे से थोड़ी सी महंगाई है तो ये ज़्यादा कर देते हैं महंगाई इधर गुजारिश यही है कि इधर कंट्रोल डालना चाहिए गरीब लोग बिल्कुल मजदूर बंदा कुछ नहीं कर सकता इस दौर में मेहरबानी करो आप बिल्कुल गरीब बंदा जो है ना कुछ है भी जो है नहीं कहता सर ना और शहरी मौजूद है सही ना कहना अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦੀ ਵੈਂਦੇ ਵੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਨਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਿੱਠਾ ਵੰਨੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੈ ਅਗਰ ਦੇਖਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੈ 1500 2000 ਰੁਪਏ ਝਾੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਿੱਧਾ ਇੱਥਾਂ ਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਮਿਸਾਲ 200 ਰੁਪਏ ਪਿਆਜ਼ 220 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ 160 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਏਗਾ ਬਾਹਰ 250 ਰੁਪਏ ਟਮਾਟਰ ਇੱਥੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਫਰਕ ਆਏਗਾ 50 ਰੁਪਏ 40 ਰੁਪਏ ਬਾਹਰ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਥੀਂਦਾ ਇਹੀ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇ ਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਤੇਲ ਸਾੜ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਚੱਪਲ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਪਿਆ ਇਹ ਤਮਾਮ ਤਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਪਈਆਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਇਹ ਪਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹ ਪਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਮਗਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸਾਂ ਕਮੀ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਏ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਬਜਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਜਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਲਾੜੀ ਤੇ ਗਏ ਮਗਰ ਇੱਥਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਦੀ ਇਹ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਵਸੇਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਜੁਨੇਦ ਮਲਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਹਨ ਪਏ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਪਏ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਨੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਬਚਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ ਪਏ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਕਨੇ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਸਤੇ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸੇ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਸਸਤੇ ਹੈ 250 ਰੁਪਏ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਂ ਟਮਾਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਯਹਾਂ ਪੇ 150 140 ਇਸਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਧੋ ਆਧ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਓਵਰਆਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਪਈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਵੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਤੰਗ ਆਈ ਪੜੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪ ਇਹ ਦੇਖੇ ਦਾਲ ਪੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ ਪੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪ ਬਤਾਏ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਖਾਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਰੇਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਸਤਾ ਹੈ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਆਪਕੋ ਡਿਟੇਲ ਸੇ ਬਤਾਏਂਗੇ ਬਲਕਿ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਚਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਦੇਂਦੇ ਪਏ ਜੀ ਦੇਤੇ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਆਪ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਰ ਪੇ ਜਾਏ ਵਹਾਂ ਪੇ ਆਪਕੋ ਬਤਾਏਂਗੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਤਾਂ ਵਸੀਲਾ ਯਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ ਪਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਾਤੂਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਕਨੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿ ਖਰੀਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੂ ਥੀ ਵੇਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਵੇ ਇੱਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵੇ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਥੀਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਕਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਨਾ ਬੜੋਂ ਕਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਫਰਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਕਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿ ਇੱਥਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਥੀ ਸ਼ਲਜਮ ਮੇਥੀ 50-60 ਰੁਪਏ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਯਹਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਬੈਂਗਨ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਗੋਭੀ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਰ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ ਯਹਾਂ 160 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਟਮਾਟਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਰ 240 ਕਾ ਰੇਟ ਹੈ ਯਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਜਿਤਨੇ ਹੈਲਪ ਹੋ ਉਤਨੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅੱਛਾ ਥੀ ਵੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਆ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਕੋ ਬਿਲ ਔਰ ਇਨੋ ਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਨਾ ਜ਼ਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਿਆ ਅਸਾਂ ਜੇ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿਨੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਵੇ
क्या आख देवे कि क्या इतना ये बचत इतना आमन तो बाद कोई पैसे बच देन आम मार्केट कने या इको जाए इको जाए साहब बल्कि कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जी मार्केट ना ज़्यादा रेट तेज जुम्मे बाजार का कोई फायदा नहीं है इतना कोई तो रेट लिस्ट या चीज़ा वगैरह नज़र आई हैं किसी को भी कोई अपना रेट लिस्ट नहीं है अगर कुछ बात दे के भी जाता वा मुड़ के वो खत्म कर देंगे कोई किसी को भी नहीं है किसी को रेट लिस्ट हो या की है की कोई चीज़ नहीं है कंट्रोल ही कोई नहीं है जुम्मे बाजार में क्या आखना चाहते वे कि हुकूमत को चाहिए इन तो कंट्रोल क्योंकि शहरी गरीब आवाम पिस गया है बिल्कुल क्या आखना काफ़ी ज्यादा पे वा ये तो हुकूमत को चाहिए कि अपना कंट्रोल करे जिहड़े कमिश्नर है ने अपना जिहड़े इहदे रेट दे कंट्रोल करन वाले उन्होंने चाहिए कंट्रोल करे लेकिन वो पैसे लैके चुप कर जाते हैं दुकानदार का 100-200 बजा होया वा इस वास्ते कोई कौन कंट्रोल करेगा बिल्कुल इवें ही है पिया साढ़े नाल होर शहरी मौजूद हैं पे असा इन्हों कने जान गए तो क्या है अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर ये बाजार जड़ा है आम बाजार कने कोई सस्ते हैं या इवें ना है पे ना है पे ना है पे जन के सस्ता क्या नहीं होता बाजार इतना वाल आवाम क्यों खरीदारी वास्ते बस इन वास्ते आवंदे हर चीज तो मिल बंदी है जो मेले में छुट्टी होती है पूरे मुल्तान को जन के जी वास्ते सारे वहां मिठा हो जंदी है जेडी ओवरऑल महंगाई है उंदे ते क्या कहना ओवरऑल महंगाई तो आलि भी दुनिया है ना खाली पाकिस्तान नहीं आलि दुनिया में महंगाई है बिल्कुल इवें ही है पे हर पास महंगाई है इन पारों ना वो है पिया अच्छा असर गल करूँ तो सब्जी के अलावा जोड़ा है ना इतना कपड़े की दे रहे हैं ना स्टॉल्स इन पे इन तो अलावा बाकी भी स्टॉल इन पे शहरी जोड़े ना खरीदारी वास्ते आते हैं इतना जोड़ा है ना बहुत सारी चेरी चीज़ा हैं पियाँ वो गिनते हैं मुख्तलिफ अशिया के इतना स्टॉल होने नाल एक जगह के उत्ते शहरी ई पारू भी जो है ना तरजीह देते हैं सर मौजूद है असा इन्ना कने थोड़ी जान गए अच्छा थोड़े जहाँ दसेसो ये बचत बाजार जो है कोई फायदा भी देते नहीं इवें ना कोई फायदा कोई नहीं कोई फायदा क्यों हाँ तो महंगी हर शह अच्छा आम बाजार कने इतना महंगी जी हाँ प्याज तो बहुत ज्यादा ही महंगी है तो तुसा क्या आख देवे कि हुकूमत का कोई वैसे इतना चेक एंड बैलेंस है या हुकूमत जो लवेंदी है मेरे को कोई पता क्या नहीं भाई मैं पहली दफा आई हूं मेरे को कोई पता कोई नहीं तुसा पहली बारी आए थे तो महंगा लगे जी महंगा लगे बिल्कुल ना उन्ना को जरी गल है जो विजिट करेंदा है वो उवें ही लगता है अगर असा गल करूँ तो ई पासे ना मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल हैं ई पासे कपड़े उन तो इलावा कप्स हैं पे बाकी चीज़ों के जो स्टॉल जो मौजूद हैं पे सा दुकानदार मौजूद हैं पे असा इन्ना कने जानते से क्या आखते नहीं देते अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर तुसा मिसाले पैक करके बेचेंदे पे वे एक तो पहले तुसा चाइना साल बेच नहीं सकते तुसा बेचेंदे पे वे ए दसेसो कि क्या गुजर बसर तुहाडा थी वेंदा शुक्र अलहमदुलिल्लाह थी वेंदे आराम नाल ए बाजार जेड़े आम बाजार कने इथा रेट घट होंदे न या तुसा भी घट होंदे न घट होंदे न बिल्कुल जो है ना आम बाजार कने जो है ना घट होंदे न इवें ही ये तमाम तर चीज़ा इन पईआं हुकूमत जड़ा है पई अगर करना चाहे तो जरूर इंदे उते जो है ना तवज्जो करे ते ओ थी सकदा है पिया दरी गल है चेक एंड बैलेंस ना होवन नाल इथा मुख्तलिफ किस्म दी जड़ी चीज़ा इन पईआं ओ इथा फरोख कीती वेंदी सन नाल खावन पीवन दी भी अशिया इन पे वेचन वाले असां इन्हां कने भी जान गिंदे से क्या आखदे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी अच्छा तुसां इतना समोसे पकौड़े वगैरह लाए हुए इतना ई बचत बाजार दे विच आवन नाल तुहाडा गुजर बसर सही थी वेंदा भाई जान ये सिर्फ घर में रहने से लड़ाई झगड़ा जो होता है ना उससे बचने के लिए हम बाहर में टाइम गुजारते हैं बाकी बचना बचाना आज के हालात में कुछ भी नहीं है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इमरान खान साहब को और नवाज शरीफ साहब को ये आपका जो सियासत का ढाबा है ना वो बंद करें और गरीब का जो चूल्हा बंद हो गया ना उसके ऊपर तवज्जो दें ये सियासत आनी और जानी चीज़ है एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है खुदारा हाथ बांध के मैं इमरान खान को और नवाज शरीफ साहब को गुजारिश करता हूँ खुदा के लिए इस पाकिस्तान की गरीब आवाम की तरफ देखें आप अपना सियासत का ये दो दिन का जो चार दिन का जो आपने जो ढाबा बनाया हुआ है ना ये खुदा के लिए बंद करें अच्छा ये दसो कि जो बचत बाजार लाया वेंदा है इतना आम बाजार कने रेट घट होंदे न या नॉर्मल होंदे न भाईजान जड़े आम दुकानदार होंदे न उतना आजकल हालात ये हो जे इनके हालात पूरे नहीं थींदे पे इस असा इतना आने के हर बंदा
शह गिनन आते कोई ना कोई कोई चीज़ खाते सस सेल अस ला देने चीज़ सस्ती करके बेचने कि चलो साड़ी सेल ज़्यादा थी वजह लेकिन इतना भी हालात हुए जितना अपना जिम पर इतना कोई वैसे हुकूमत नुमाइंदा चेक करने वास्ते आंदा कोई रेट शेट या कोई चीज़ इतना भाईजान कोई नहीं आता। अच्छा सर नाल होर शहरी मौजूद है असं इन्ना कने भी जान गिनने हैं क्या कहने अच्छा तुसा शॉपिंग वास्ते आए हुए ये बाजार सस्ता है महंगा है ये बाजार माशाल्लाह सस्ता है मतलब बाहर चीज़ा लवन तो अच्छा है कि भाई इतू बंदा जुम्मे नहीं शॉपिंग कर सकते तो बाकी ये है कि हालात जड़े ना उस हर कहने सामने महंगाई मूँ ज़्यादा है तो लोग ज़्यादातर मतलब इन बाजारों का रुख करेंगे क्योंकि इतने ये सहूलत है कि बाहर की रिस्बत इतने लोगों को चीज़ा सस्तियाँ मिल पाते हैं तो बाकी बाहर देखा वजे कि हर बंद का अपना जहन है हर बंद की अपनी सोच है जेंदा भाई जिथे दाह लगा पे वो उत्थे लाई पे ठीक है ना तो बाकी ये है कि भाई आवाम अपने सिर आप सारा कुछ करें नहीं। अच्छा ये दसो कि ये जो इतना रेट्स हैं पे वो आम मार्केट कने घट होंगे या क्या है? आम मार्केट को घट होंगे हाँ जी लोग ही पर आँदी है हाँ जी बिल्कुल ही वास्ते आवाम इतने आँदी है तो देख सकते हो रश भी है इतने मजीद रश वधदा पे इतने हाँ जी हाँ बिल्कुल जो है ना आवाम इतना ही पर आँदी है कि रेट घट इन पे मिला जुला रुझान है पिया शहरी अपनी जगह के उत्ते हैं पे जड़ा है पिया दुकानदार अपनी जगह के उत्ते हैं पे तमाम जड़ी चीज़ा हैं हकाइक तुहाड़े सामने है पिया कि शहरी जड़ा है ना महंगाई तो तंग हैं पे दुकानदार भी महंगाई तो तंग हैं सिर्फ अगर तंग नहीं आई महंगाई को देख के तो हकूमत के नुमाइंदे मुंतखब नुमाइंदे नहीं आए अफसरान नहीं आए क्योंकि वो ठंडे कमर बैठे कौन इन्ना शहरिया का दुकानदार का ख्याल करे सी मेरे ब्रेक का वेला थी कि ब्रेक के चलते से ब्रेक तो बाद वाला देती तो मजीद भी गाल करते चलते फिर एक गल वेलकम बैक नाजरीन तो साढ़े पे वसेब की आवाज़ से मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट जुनेद मलिक अज्ज के प्रोग्राम में गल करें पे थे महंगाई के ते मुल्तान के जेवे लाए वजन वाले जो बचत बाजार हैं पे वह किमें दे दें इतना आए हुए शहरी इको किमें दे दें क्या वो फायदा देने पे या कहना या हुकूमती जो इन्फ्लुएंस है पिया हुकूमती इदारे हैं पे क्या इन्होंने चेक एंड बैलेंस करें या कहना असं गल करें पे शहरी दुकानदारा नाल भी असं गल की अगर असं जो है ना जितना जो है ना गाल करूँ इतना जो है ना दुकानदारदारी गाले परेशान हैं पे उन्ना कने ऐसा जो है ना कोशिश करूँ कि जो है ना क्या वो इंदे उते आख देन की में अच्छा अस्सलाम वालेकुम बहुत महंगाई हो गई है भाईजान हमें माल वारे में नहीं मिलता हम कहाँ जाएँ हुकुमरान कुछ नहीं करते बिल भर भर के हम बर्बाद हो गए यकीन करो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई कारखाने वो कहते हैं माल नहीं मिलता बहुत महंगा भाईजान। अच्छा माल महंगा जो मिलता है वाल इन्ना बचत बाजारा वेच कोई घर का गुजर बसर थी मैंने कहना ये अल्लाह कर रहा है यकीन करो ना तो हमारा बस का नहीं है यकीन करो भाईजान मर गए बर्बाद हो गए यकीन करो बहुत महंगाई है। कारोबार क्यों मुतासिर ज्यादा थी? ये जी बिजली के बिलों की वजह से हुआ है सारी आवाम परेशान है मैं कहूँ खुदा की कसम खान साहब अच्छे थे इनसे तो अच्छा खान साहब थे अल्लाह खान साहब की ज़िंदगी में बरकत डाले खान साहब को नेक बना और इन्हें हिदायत दे इन्हें हिदायत दे अल्लाह अल्लाह मसल्ले अला सैयदना मौलाना मुहम्मद इमद अली मुहम्मद इन्ना कामिदुल मजीद सल्लू अला नबी बिल्कुल जहरी गाल है जो है ना लोग अपने जज्बात का इजहार करेंगे पेन असा जो है ना चाहे दुकानदार होवेन शहरी होवेन कोई होवे अपना जो है ना वो किवें जो है ना वो करे सन जरी गाल थोड़ी असं दुकानदार नाल गाल करें दुकानदार नाल भी गाल करें पैसे शहरिया नाल भी गाल करें पैसे वो क्या जो है ना आखते हैं थोड़ी जहाँ शहरी मौजूद है इन्ना कने जान गए अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम क्या तुसा क्या समझते वे कि महंगाई इन्ना बाजारा में है या क्या महंगाई तो है हूँ प्याज जड़े 200 रुपये किलो थे पे तो टमाटर 80 रुपये पा थे पे महंगाई तो है ना सारे कितने गरीब लोगों वास्ते तो बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा ये दसो कि क्या वल ये बचत बाजार जो है पे इतना भी अगर महंगाई है बाहर भी महंगाई है वल लोग इतना क्यों आते हैं वल गिन बस वल हम गुजारा तो करने ना भाई जान यो को जब बस भी क्या कर मर्दों को छुट्टी होती है ना तो इकट्ठा खेन के फरीज कर देने तो सारा हफ्ता सही निज़ाम चल वेंदे हूँ गिनन तो टंगी थी काम तो होने टाइम नहीं होता गिनन का
बस ये फायदा है, लेकिन महंगाई का कोई फायदा क्या नहीं, इतना ही रेट है, बैर भी ही रेट है। अच्छा तुम ये दसो कि इतनी महंगाई दे घर का गुजर बसर वाल क्योंकि खातून खाना जो है ना बजट ऊन देखना होता है, तो क्या समय डिस्टर्ब थी या क्या है? बहुत डिस्टर्ब है, बहुत मुश्किल थी कि वक्त या सिर्फ ये सब्जी तो बिल बचत तो बालों की है भी कहना ना, कोई सेविंग नहीं थी भाई, कोई घर का निज़ाम नहीं बढ़ता पाया कि सिर्फ या बिल मारी खरीन जो बचत करो वो बिल भर दो या खाओ बस यो कुछ थी पे। बिल्कुल जो है ना बचत जो है ना बिल्कुल ना दी रहे नहीं कि इतनी महंगाई थी कि अगर बचत आवेगी तो सही गल है। हर शहरी जो है ना परेशान इन पे सारे और दुकानदार मौजूद हैं असा इन्ना कहीं जानते से। वालेकुम सलाम। अच्छा सर तुम दसो कि जो कम है पिया इतना बचत बाजार के क्या इतना रेट्स का कोई फर्क होंगे या आम बाजार वाली का? सर रेट की तरफ से ना गाहक खरीदारी नहीं कर रहा सही, रेट हो गए बहुत ज़्यादा, पीछे पीछे माल महंगा और यहाँ पे गाहक पैसे नहीं भर रहा, बहुत महंगाई कोई बल्कि में गुजर बसर थी। हुकूमत को चाहिए कुछ आवाम को रिलीफ दे, रेटों में कमी करे होलसेल में तो हम रेट कम मिलेगा और रेट कम करके बेचेंगे हम, आवाम का भला करें हुकूमत। नहीं वाल अगर रेट मांगे गाहक के काम में बल्कि में जो है ना गुजर बसर तो रेट बताते हैं 150 रुपये वाली चीज़, गाहक कहता है 120 किलो पहले लेके गए हैं, अब पीछे हो गया सामान महंगा, अब हुकूमत को चाहिए आवाम को रिलीफ दे रेट कम करके। बिल्कुल रेट घट करके जो है ना रिलीफ दे सर होर शहरी मौजूद है असा इन्ना कहीं भी जान कहते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे दसो कि ये बचत बाजार कोई फायदा देने पे ना आवाम को? कोई फायदा ही नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि आज एक ही रेट है कल इससे 10 रुपये महंगा होता जा रहा है, परसों फिर मतलब जुम्मे का मतलब पिछले जुम्मे पूरा टमाटर जो है 100 रुपये किलो था, आज मैं देख रहा हूँ 160 रुपये किलो बिक रहे हैं, तो रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा नहीं ये बचत बाजार इतना जड़े रेट है ना आम बाजार वाले नहीं या फर्क होता है? नहीं इस कोई फर्क नहीं है, इधर जो रेट है वो हम तो रोज़ सब्जी लेते हैं, उधर आम गलियों में जो बिक रहा है ना वही उसका भी वही रेट हो इसका भी वही रेट एक ही रेट है, ये सस्ते बाजार का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये उससे भी तेज़ चोरी पैर रहा है जो बाहर है ना उससे भी ये तेज़ चोरी पैर है। बिल्कुल ज़ाहिर गल है अपने जज्बात है उससे भी तेज़ जो है ना चुरी पी रहे थे, फिर ज़ाहिर गल है महंगाई है तो वो अपने घरों तक दुकानदार जिन्हें नहीं देवना वो अपनी जगह पर परेशान हैं, ये अपनी जगह के उत्ते जड़ा है ना वो परेशान हैं पे। असा चलते से अगू भी तो मजीद भी जड़ा है ना गाल करन दी कोशिश करें दे से कि क्या आख दें तो किवें तमाम तर चीज़ों को देख दें, थोड़ा सा इन्होंने असा गाल करन दी कोशिश करे सूँ खरीदारी करें दे वदन ये इंदे उत्ते क्या आख दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर तुसा माशाल्लाह खरीदारी करें दे वे दे वे क्या ये बाजार जड़ा है ये फायदा भी कोई देना है या आम बाजार वाला रेट? नहीं फायदेमंद है, इसमें बहुत फायदा है, अच्छी सब्जी मिलती है और फ्रेश मिलती है, सही है और रेट भी मुनासिब होता है। मतलब तुसा आखदे वे कि बचत बाजार इन्ना दा फायदा है पिया? हाँ जी हाँ जी फायदा है, क्यों फायदा नहीं है, बहुत लोग इसे फैसिलिटेट होते हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर ये दसो कि इन्ना बचत बाजारा वेच कोई बचत भी थींदी है ये कहन? आजकल जो दौर चल रहा है इसके मुताबिक तो बिल्कुल नहीं है। इतना जेड़े रेट हैं आम बाजार वाले रेट होंदे नहीं या फर्क होंदा है? पहले फर्क होता था पर अब से 2-4 महीने से अब बिल्कुल फर्क नहीं है, सेम रेट ही होता है, आम दिनों में मेरे ख्याल में इससे थोड़ा सस्ता ही रेट होता है, पहले फर्क होता था पर अब इस टाइम नहीं है। बिल्कुल महंगाई थी नाल जरा पिया बहुत ज़्यादा वो है पिया, पहले फर्क होता शहरी आखते हैं हूँ कह नहीं थी, इवें ही तमाम तरह सिलसिला सारा जारी है पी असा शहरियों नाल दुकानदार नाल लोगों नाल गाल करें दे पैसे तो कुछ कहें दे पैसे कि क्या उन्होंने क्या ख्याल आते हैं, वो क्या अपना इजहार करें हुकूमत के उत्ते किमें बरसते हैं किमें तमाम तर जो चीज़ा करें दे तमाम तर चीज़ा असा मजीद भी गाल करे सूँ मजीद भी तो कोई इतना आए शहरी नाल दिखेसूँ कि वो क्या आखते हैं दुकानदार क्या आखते हैं। इवेले ब्रेक का वेला थे कि ब्रेक तो चलते से ब्रेक तो बाद वाल हाजिर थे सो तो मजीद भी इंदे उत्ते गाल करे सो चलते से एक ब्रेक आले पासे। वेलकम बैक नाज़रीन, तो साढ़े पे वसेब की आवाज़ से मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट जुनेद मलिक अज के प्रोग्राम ऐसा गाल करें दे पैसे महंगाई के उत्ते साढ़े नाल खरीदार शहरी जो मौजूद हैं
ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਨੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਆਖ ਦੇਣਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਗੂ ਕਰੋ ਚਾਹ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੀਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਆਇਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਲੂ ਗਿਣ ਗਿਣੋ ਪਿਆਜ਼ ਗਿਣ ਗਿਣੋ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਟਮਾਟਰ 150 ਤੋਂ 180 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਮਟਰ ਜਿਹੜਾ 300-260 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਪਏ ਪਿਆਜ਼ 180 ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਕਿੱਥਾਂ ਬਣੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹਨ ਪਏ ਰੇਟ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਅਤੇ ਇੱਥਾਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਦਾ ਪਏ ਕਿਆ ਆਖਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹਕੂਮਤ ਕੋ ਹਕੂਮਤ ਕੋ ਇਹੋ ਆਖ ਸਕਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਥੀ ਬਣੇ ਬਸ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਮਾਮ ਤਰ ਜੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਨ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਜੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਥਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਪਈਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਪਈਆਂ ਇਹ ਪਾਸੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟਾਲ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਈ ਪਰੂ ਇੱਥਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥਾਂ ਖਰੀਦਾਰੀ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਲੈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਇਨ ਪੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਸਾਂ ਇੰਨਾ ਕਨੇ ਹੀ ਜਾਣ ਗਿਨੇ ਕਿ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਲੈਂਦੇ ਵੇ ਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਥੀ ਵੈਂਦੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਥੀਂਦੇ ਪਏ ਜਨ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੰਗ ਇਹਦੇ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੀ ਗਈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਤੰਗ ਇਨ ਪਏ ਤੇ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਰ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਲ ਥੀਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕਦੇ ਅੱਛਾ ਕਦੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਘੱਟ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵਜਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਥੀਂਦਾ ਪਏ ਯਕੀਨ ਕਰ ਕੇ ਨੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ 15,000 ਤੋਂ 20,000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ 7,000 ਦਾ ਖੀਰ ਹੈ 7,000 ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ 14,000 7,000 ਦਾ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਲਾ ਕੇ ਨੋ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਥੀਂਦਾ ਪਏ ਇਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਥੀਂਦਾ ਪਏ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਪਈ ਅੱਛਾ ਇੱਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਪਿਆ ਭਜਨ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੱਥਾਂ ਦਾ 350-350 ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਥੀ ਵਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਥੀ ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਨੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਤੁਸਾਂ ਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਵੇ ਗਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿਆ ਕੋਈ ਰੇਟ ਦਾ ਹੈ ਲੋੜ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੈਵੀ ਰੇਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ 160 ਰੁਪਏ ਪਿਆਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਪਿਆਜ਼ 160 ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਟਸ ਕੋ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕਨੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਸਲਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਵੰਨੂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਣਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 800 ਕਮਾਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ ਸਮਾਨ ਕਿਤੇ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਨ ਬੱਚੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਟਾ ਕਿਤੋਂ ਗਿੰਜੂ ਖੰਡ ਕਿਤੋਂ ਗਿੰਜੂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਆ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹਕੂਮਤ ਕੋ ਹਕੂਮਤ ਕੋ ਆਦੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕੋ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਬਚਤ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਤ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇ ਰੇਟ ਨੇ ਸਭ ਕੇ ਇਧਰ ਜੋ ਜਿਸ ਕਾ ਜਾਨ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਸਟ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀ ਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਇਧਰ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਇੱਥਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰੇਟਾਂ ਕਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਘਾਟੇ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਹਨ ਇੱਥਾਂ ਕਿਆ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਕੋ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਟ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ ਦਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ ਮਟਰ ਦਾ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਪਿਆ ਇਹ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੀਵਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਸੇ ਅੱਗੂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੁੱਪ ਦਾ ਅਤੇ ਛਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਕ ਪੋ ਸੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੱਚਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਬੱਚਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਕਈ ਇੱਥਾਂ ਬੱਚਤ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਵਾਲੇ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਅਸਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਚ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤਾਂ 500 ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਪਏ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥਈ ਪਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦਾ
ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਸਕਦੀ, ਜੈਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕਾਓ ਕੈਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜੇ। ਕਿਆ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਇੱਥਾਂ ਆਵਣ ਕੋ ਕਿਉਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਵੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਗੇ ਮਿਲਵੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਥੀ ਵੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਠੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲਵੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਚੂਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਵੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਘਿਓ ਮਿਲਵੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਹਨ ਮੈਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਮੈਂ, ਸੋਲਾ ਤਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤੂਨ ਆਏ ਹੋਏ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਬੱਚਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਕਈ ਬੱਚਤ ਵਾਲੇ? ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਬਈ ਇਕੱਠੀ ਮਿਲ ਵੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਹੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਡਾ ਆਪਣੇ ਲਾਵੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਲੱਗੂ ਨੇ ਇੱਥਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇੱਥਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਜੁਮਾ ਐਸਾ ਆਵੇਂ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋ ਹਕੂਮਤ? ਕਿਆ ਹਕੂਮਤ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋ? ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਲਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਗੂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਜਿਵੇਂ ਰੇਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਗੂ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ ਐਵੇਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇੱਥਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ ਪਏ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਏ ਉਹ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਹੀ ਹਨ ਪਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਥਾਂ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਵੇ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਤਾਸਿਰ ਥੀਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਕਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਮਤਾਜ਼ਾਬਾਦ ਹੈ, ਨਿਊ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਆਫਿਸਰ ਕਲੋਨੀ ਸ਼ਮਸਾਬਾਦ ਹੈ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਰੇ ਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਡਬਲ ਫਾਟਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬੱਚਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਬੱਚਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇੱਥਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ। ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਆਈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਮਾਮ ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾ ਸਕੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਥੀਸੂੰ। ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।